सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुमित्रा नेगी पर। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है, अभी बज गए हैं शाम के 4 बज गए हैं और मैं घर जा रही हूँ अभी थर्मिशन से। छुट्टी होने का टाइम तुम्हारा 5 बजे, लेकिन मैं हमें थोड़ा दूर जाना होता है तो पैदल रास्ता है, तो मैं थोड़ा जल्दी आ जाती हूँ। तो अभी लगी हूँ यहाँ एजेंसी तक, तो मैं मुझे गाड़ी मिल गई थी उसमें आई। अब यहाँ से मैं पैदल पैदल चढ़ाई चढ़ रही हूँ। आफत आ रही है तो क्या करें, कोई नहीं, पैदल जाना भी स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। हड्डियाँ दिख रही है मेरी और आजकल बहुत समय से मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्या करूँ, मतलब क्या बनाना, घर में ही रहती हूँ तो घर का ही क्या दिखाना, घर का वही हमारा अपना डेली का काम करो, घास वास भैंस को देखो, अपना ड्यूटी जाओ, बस वही रहता है। तो मैं घर पर रहकर ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। बहुत से लोग करते हैं मुझे मैसेज कॉल वगैरह कि आजकल वीडियो क्यों नहीं बना रही, आज शायद 7-8 दिन हो गए हैं तो नहीं बनाया। मैंने सोचा आज बनाऊंगी, क्योंकि आज हम घूमने जाने वाले थे, लेकिन पता नहीं है मेरे गांव वाले ऐसे हैं, धोखा दे दिया उन्होंने कल। आज की प्लानिंग थी हमारी जाने की, कैंसिल हो गई। देखते हैं कभी नेक्स्ट दिन जाने को होगा तो ज़रूर जाएंगे तब। तो पता नहीं क्यों आजकल मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। अभी 22 नहीं, अभी हरेला था 16-17 तारीख को, तो उस दिन हम पहले उस दिन जाने वाले थे घूमने को, लेकिन तब तक यहाँ किसी की बेटी हो गई, तो गांव में ही हुई किसी की बेटी, तो नहीं जा पाए हम, क्योंकि अशुभ मानते हैं मंदिर जाना, तो उस दिन भी हम नहीं गए। तो उसके बाद हमने सोचा 5-6 दिन बाद जाएंगे, तो 5-6 दिन बाद भी कल नहीं गए आज। और फिर 16 तारीख को हरेला था, मैंने सोचा मैं अपने मायके जाऊंगी। जब तक मायके के लिए मैं सोच ही रही थी, तब तक वहाँ से किसी का फ़ोन आ गया कि यहाँ एक दादाजी की डेथ हो चुकी है, तो क्या करें, वहाँ जाने भी कैंसिल हो गया। आजकल पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, क्या करें, हट, किस्मत ख़राब चल रही है मेरी आजकल। और लगा है आजकल सावन का महीना, लेकिन पता ही नहीं लग रहा है कि सावन का महीना है, क्योंकि बारिश तो ज़रा भी नहीं हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले थोड़ी सी बारिश हुई थी और आजकल जो है बारिश हो ही नहीं रही है। पता ही नहीं लग रहा है कौन सा महीना चल रहा है। अगर बारिश सच्ची से होती तो आजकल घास भी बहुत ही अच्छी होनी थी यहाँ जंगलों में, लेकिन उतना हरा भरा नहीं हो रखा है। तो अभी यहाँ चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते मेरी ताकत आ रही है, तो मैं आपको मिलती हूँ सीधा ऊपर रोड पर। तो अभी नीचे से चढ़ाई चढ़ने के बाद मैं पहुँच गई हूँ ऊपर रोड पर, और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है पिरुल। ये पिरुल आजकल यहाँ की महिलाएं, पपड़ियाणा बालसिम की महिलाएं इकट्ठा कर रही हैं, और ये पिरुल जा रहा है सीधा धुमाकोट। मतलब ये लोग यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं और 1.5 या 2 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो यहाँ की महिलाओं ने एक महीने में 8-10 हज़ार रुपये एक महिला ने कमा लिए हैं, तो बहुत ही सही है ये आजकल स्वरोजगार महिलाओं के लिए। बहुत सारा यहाँ से कुछ तो चला भी गया है और अभी भी लगे हैं यहाँ पिरुल इकट्ठा करने पर। अभी तो यहाँ पर कुछ है नहीं, ये कुछ इस तरह से बंडल बने हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये रहा सामने पिरुल का ढेर, और इस तरह से कुछ मशीन में इसके बंडल बन के आ रहे हैं रस्सियों पर। बहुत सारा पिरुल यहाँ से जा चुका है और अभी काफ़ी बहुत ज़्यादा भी है भी। और अभी पहले तो यहाँ महिलाओं ने इकट्ठा किया, और अब महिलाओं ने जब मना कर दिया है इकट्ठा करने से, क्योंकि अभी उनका काम वाम रहता है, तो उन्होंने मना किया, तो इन्होंने यहाँ नेपाली लोग लगा लिए हैं पिरुल इकट्ठा करने के लिए। तो महिलाओं ने तो मतलब ये किया था कि कुछ कुछ निकाल रहे थे, कुछ अपने लिए भी रख रहे थे, लेकिन अब जो नेपाली लोग आए हैं ये तो सारा लेके जा रहे हैं, ये हमारे गाय भैंसों के लिए कुछ भी नहीं रख रहे हैं। तो पता नहीं अब हम अपने गाय भैंसों के बिस्तर में पता नहीं क्या लगाएंगे। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ ऊपर रोड पर, थोड़ा ही रह रखा है मेरा घर पहुँचने के लिए, और आजकल चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, तो थोड़ा बहुत दिखाती हूँ मैं आपको। और थलीसैन में हो रहा है आजकल शिव पुराण, परसों गई थी मैं शिव पुराण सुनने, कल भी जाने वाली थी, कल भोले बाबा की बारात थी, लेकिन क्या करूँ, कल किसी कारण मुझे घर आना पड़ा जल्दी, तो मैं नहीं गई। फिर आज भी नहीं गई क्योंकि अकेली थी, देखती हूँ कल परसों।
अरे देखिए, आजकल चारों तरफ का मौसम बहुत ही हरियाली छाई हुई है और ऊपर साइड कोहरा लगा है, शायद उस साइड बारिश आ रही होगी। और इस साइड तो कहीं कहीं धूप है, कहीं कहीं अंधेरा हो रखा है। ईश्वर ऋषि की दादी जा रहे हैं घूमने। ईश्वर ठीक से बात कहा भाई तुम? इन्हें देख दी बैंड अभी बिंदी के लगे कबाब तेरे के लगे इसे कहाँ जा रहे हैं? कागिया ये देखो तो इनके खेतों में कन्याड़ को बहुत बढ़िया को दी जगह। ये देखो तो मंडवे की फसल भी बहुत ही अच्छी हो रही है इस साइड। और इस गांव में आपको बहुत ज़्यादा भीमल के पेड़ देखने को मिलेंगे, जहाँ देखो वहाँ भीमल के और बांज के पेड़ हैं। और ये नया देखो कितनी बड़ी आ चुकी है, ये है दूधातोली जंगल से आने वाली नयार। और यहाँ बहू रानी दे रही है अपने भैंसों को घास, क्या करनी चाहिए और जानी तब। और यहाँ पर लोगों ने अपने खेतों में राजमा बो रखी है, तो राजमा भी की बेल देखो बहुत ही ऊपर गई है इन ठांगरियों पे। हेलो लालू प्रसाद, गुन्नी गुन्नी, ये कौन है लक्की बॉस? इतना दांत टूट गया और नन का घोटाना, का घोटाना, हाँ घिस के ला तरना यान बुआ ते मेरा फोटा कर का गए तो। अच्छा का यान गा सको यहाँ बुआ पारे मुझे और ज़्यादा बांदर बाहर ये चुच्छा तो समय पर था ना। अच्छा हम ये ज़्यादा बाहर में पिंजरा मूली इंदा है दिया था जा पौर बड़ बड़ गास काटे थे चस लगन तो सुबह सुबह हाँ लगन तो है ना बहुत सुबह का बुआ हाँ तब बुआ में अलग जो आ ना। अच्छा भागवत सुनो को ब्याह ही अच्छा कल सही वकील रही बस आई है। अच्छा ककड़ी की बेल बहुत ही बड़ी बड़ी हो चुकी है, लेकिन ककड़ी पता नहीं कब लगेगी। इस बरसात में जो है अब ककड़ी का ही वेट है। और वहां से आ रही है बहुत ही मोटी दीदी, आ भी नहीं पा रही इस रास्ते से। करे भगना के को घुमड़ घुमड़ घुमड़ा को लकड़ो को लकड़ो को मिल आने से पूरा तक जाना। अच्छा अरे यहाँ पर है 200 अरे यहाँ पर है हमारी एक लौकी की बेल, उस पे लौकी लग रहे हैं अब। और ये वाला भी खेत हमारा है, यहाँ भी मक्का हो रही है। नीचे वाले में झंगोरा है, ऊपर वाले में मंडवा है और मक्का है उसके बीच बीच में। अरे रौनक लगा है यहाँ पर झूला खेलने पर। और अभी मैं पहुँच गई हूँ अपने घर पर, और हमारे घर पे कोई नहीं है। यहाँ पर सारे जगह यहाँ दरवाजे बंद हो रखे हैं। और आजकल थोड़ा हमने अपने इस वाले घर को थोड़ा चमका रखा है। अरे मैं आ गई हूँ घर में, और देखो यहाँ कोई नहीं है, इस साइड लाइट भी नहीं है। और पिछले साल मैंने बड़ा सा फ्रेम बनाया था, इसमें हमारी पूरी फैमिली फ़ोटो है। और ये वाली फ़ोटो है मेरे शादी के दिन की, तो शादी के दिन कुछ इतनी मोटी थी मैं, बेकार। तो अभी जो है मैं घर से आ गई हूँ, और अब जाती हूँ थोड़ा घास के लिए। वैसे घास तो है लेकिन ले आती हूँ अभी, क्योंकि कल सुबह 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 मेरा मन नहीं करता फिर जाने का, उस टाइम थोड़ा डर भी लगता है इस साइड आने का। और फिर सुबह सुबह ओस पड़ी रहती है और उसमें भीगने का मन नहीं करता है, तो मैं सोच रही हूँ अभी ले आती हूँ, फिर सुबह और कुछ काम कर लूँगी। तो ये देखो आजकल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आजकल खेत, चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई है। और मुझे जाना है घास के लिए इस साइड, घास तो ऐसे है भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेके आती हूँ। तो अभी घास लेके मैं आ गई थी गौशाला में, वहाँ से मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वहाँ से कुछ जंगली जानवर आ गए थे, सुअर दौड़ रहे थे वहाँ दो, तो उनकी डर की वजह से मुझे बहुत डर लगा और मैं भाग भाग के आधा घास काट के आ गई छन्नी में। और फिर मैं भी आ गई हूँ घर पे,
और अब मैं जा रही हूँ धारे में, थोड़ा पानी वानी लेके आती हूँ।